गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। टुडे अटेंडेंस इज वेरी लो, ओनली 8 स्टूडेंट हैव जॉइंड। आज अटेंडेंस इतनी कम कैसे हुई? एक आप लोग जो अपना नेम है ना, वो अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रखे है ना, जिस जो नाम है उसी आईडी से एंटर करें। और दूसरी चीज है, जैसे यहाँ पे मेरे को दो दीपक कुमार शर्मा दिख रहे हैं, तो आप लोग अपने नाम के पीछे ACRC AITM ऐड कर सकते हैं, सो डेट कि हमको अटेंडेंस मार्क करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो आज से आप ये कर लेना, अपनी इस आईडी का नाम जो है उसको चेंज कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास, फिर स्टूडेंट ज्वाइन करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सो कल की ही क्लास है, एक बार वैसे विकास सर ने रिवाइज बताया था इसके बारे में, हम थोड़ा सा इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना। ये हमारा इस जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक है, तो इसमें हम फील्ड कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, विल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं किसी भी सॉइल के लिए, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन क्या होता है, फिर हम एक कंजम्पटिव यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा जाता है। कंजम्पटिव यूज़ के बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कंजम्पटिव यूज़ के बारे में कोई बता सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर? वाटर का कंजम्पटिव यूज क्या होता है, हमने कई बार डिस्कस किया है। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, देखिए हमने कहा था कि एक्चुअल में हमारा जो अगर हम सॉइल के अंदर से जो प्लांट्स जो वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें दो तरह का होता था, एक होता था आपका इवेपोरेशन और एक होता था ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी होती है वही आपका कंजम्पटिव यूज़ कहलाता है। ठीक है, तो 1-to-1 इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या कंजम्पटिव यूज़ होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फील्ड कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? तो देखिए, इट मीन्स द वाटर कंटेंट रिटेन बाय एन इनिशियली सैचुरेटेड सॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बेसिकली फील्ड कैपेसिटी का मतलब आपको ये है कि हमने जब थ्री टाइप ऑफ वाटर जब हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने ग्रेविटी वाटर पढ़ा था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर पढ़ा था, तो इस तरह से बेसिकली आपका पर्पज ये है कि कितना वाटर आपका है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, सो कितना वाटर अमाउंट आपका सॉइल के अंदर रिटेन रह सकता है। ठीक है, ये आपका फील्ड कैपेसिटी होता है। जैसे हमने बात करता ग्रेविटी वाटर, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड आउट ग्रेविटी फोर्स की वजह से। ठीक है ना, इसलिए देखिए, इट मीन्स द वाटर कंटेंट रिटेन बाई इनिशियली सैचुरेटेड सॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस स्टेज इज यूज्ड व्हेन द एक्सेस वाटर फ्रॉम ए सैचुरेटेड सोइल आफ्टर इरीगेशन और इनफ्लक्स फुली परकोलेटेड डाउन। एक कंडीशन ऐसी होती है जब आपका इरीगेशन के बाद में क्या होता है, आपका जो वाटर है कम्प्लीटली परकोलेट हो गया, अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका उस सॉइल के अंदर रिटेन है, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी।
ठीक है, जो आपका वाटर रिटेन हो रहा है अगेंस्ट द, सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट मीन्स द वाटर कंटेंट रिटेन बाय एन इनिशियली सैचुरेटेड सॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? फील्ड कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं हम जब हमारा जो वाटर टेबल है वो आपका बिलो 2 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर से नीचे अगर आपका, लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से नीचे आपका जो वाटर टेबल अगर वो यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इट मीन्स अगर आपका 2 मीटर नीचे से अगर है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका कितना वाटर है जो सॉइल के, आप ही देखें इसके चारों तरफ ये जो है आपका, ये एक तरह से सॉइल का जो वाटर है वो रिटेन है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बाद में आपका जो ग्रेविटी की वजह से आपका वाटर वो एक्सट्रैक्ट होते हुए निकल गया, ठीक है। तो ये जो भी वाटर आपका रिटेन है इसके अंदर ही फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो फील्ड कैपेसिटी है। तो देखिए पहला है आपका कि प्रीवियस सॉइल हिस्ट्री, सॉइल हिस्ट्री के बारे में कि सॉइल के पहले इसके ऊपर कौन सी क्रॉपिंग हुई थी, कौन सा इरीगेशन टाइप हुआ था, सॉइल का क्या टेक्स्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, हमने इसके, आपने जियोटेक में पढ़ा होगा इसके बारे में, सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, किस टाइप की क्ले है आपकी, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, आपका फील्ड का टेम्परेचर कितना है, वाटर टेबल की डेप्थ क्या है आपकी, डेप्थ ऑफ विल्टिंग, विल्टिंग आगे हम डिस्कस करेंगे कि विल्टिंग का प्रोसेस, विल्टिंग पॉइंट आपका होता क्या है, देन इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी फील्ड कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें इसमें सब चीज़ें आपकी नॉन है, बस एक हम जो विल्टिंग पॉइंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। इवेपोट्रांसपिरेशन एज वी ऑल नो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड कैपेसिटी अगर हम बात करें कैसे, एक बहुत सिंपल सा मेथड होता है आपका फील्ड कैपेसिटी को डिटरमाइन करने का। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है आपका बेसिकली कि आपने कोई भी एक जो एरिया है आपका, ठीक है, 2 to 5 square meters का एरिया होता है, उस पर क्या करते हैं कि वाटर को, पॉन्डिंग ऑफ वाटर क्रिएट करते हैं एक सरफेस पे, ठीक है, और उस वाटर को नीचे अंदर की तरफ सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होने का आप वो करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में आपका क्या होगा कि जो आपकी सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड होगी, ठीक है। फुली सैचुरेटेड का हमने आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमने जैसे जियोटेक में भी आपने पढ़ा होगा 3-phase system जब होता है आपका, ठीक है, 3-phase के किस सिस्टम में क्या होता है आपको जैसे पता है, ठीक है, आपने जियोटेक में पढ़ा होगा 3-phase system में क्या होता है आपका कि इस तरह से आपका, हम उसकी इसके बारे में बात करते हैं, जैसे आपका ये एयर है, एक सिस्टम होता है जिसमें सॉइल के अंदर अगर हम 3-phase की बात करें तो पहला जो पोर्शन है आपका एक एयर है, फिर इसके बाद में कुछ आपका जो होता है वो होता है आपका ये, जैसे अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका है वाटर के केस, ठीक है, ये वाटर का सिस्टम होता है, और जो नेक्स्ट है आपका वो आपका होता है सॉलिड का, जैसे अगर हमने बात की तो ये आपका है सॉलिड, इस तरह से 3-phase system होता है, जियोटेक में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर 3-phase system का मतलब क्या है आपका कि अगर लेट सपोज यहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सॉइल के ऊपर बात करें तो सॉइल सॉलिड्स तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, एक केस ऐसा होगा जब केवल वाटर आपका एयर ही प्रेजेंट होगा, वाटर नहीं होगा, एयर प्लस सॉइल, एक केस आपका ऐसा होगा अगर मैं जैसे डिस्कस करूँ लेट सपोज एक और केस जैसे अगर हम डिस्कस करें दूसरा, तीनों कंडीशन में आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा है इसके बारे में 3-phase system ऑफ सॉइल, ये देखिए ये देयर आर 3 stairs, देखिए ये 3-phase system होता है, यहाँ सैचुरेटेड सॉइल आया ना फुली सैचुरेटेड, इसका मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि फुली सैचुरेटेड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। आपने जियोटेक में पढ़ा है इसके बारे में 3-phase system ऑफ सॉइल के बारे में, यस सर, है ना, पढ़ा है, ठीक है, यस सर। बेसिकली देखो समझते हैं क्या होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका कि ये जो पहला कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन कहलाती है आपकी, ये आपका ये 3-phase system है, मींस इस 3-phase system में आपका क्या है, ये पहला है आपका एयर, दूसरा वर्ड से डिनोट किया वाटर, और तीसरा जो है आपका वो सॉइल सॉलिड, ठीक है, मतलब 3-phase में हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ 3-phase system। 2-phase system की बात करें तो पॉसिबिलिटी ये भी है
कि केवल आपका एयर प्रेजेंट हो और आपका सॉइल सॉलिड प्रेजेंट हो, तो ये दोनों केस भी आपका ये क्या टू फेज सिस्टम है। एक कंडीशन ऐसी होगी कि जब आपके जितने भी सॉइल के अंदर जो फोर्स है वो सारे क्या होंगे, कम्प्लीटली वाटर के साथ में फिल होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, वाटर प्लस सॉइल सॉलिड्स, ये भी टू फेज सिस्टम है, क्लियर है। ये कंडीशन आपकी होगी जब इसमें वाटर जीरो है, केवल सॉइल है और उसके अंदर पोर्स में एयर है, ये कौन सी स्टेट कहलाती है। दिस स्टेट ऑफ सॉइल इज नोन एज ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट, एब्सोल्युटली राइट, ड्राई स्टेट, ठीक है। ये आपका अच्छा, ये ड्राई स्टेट हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी कि उसमें एयर वॉइड्स बिल्कुल जीरो है, आपका वाटर है सारा और सॉइल सैंपल है, तो ये कौन सी कहलाएगी, फुली सैचुरेटेड। ये आपकी, ये जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है आपकी फुली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। मतलब आपके कंप्लीट जो आपके एयर वॉइड्स है वो सारे किससे फिल है आपके, वो आपके कंप्लीट एयर वॉइड्स वाटर के साथ फिल। और ये जो है आपकी, मतलब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है और कुछ अमाउंट ऑफ एयर भी है, ये आपकी क्या कहलाएगी फिर, ये आपकी कहलाएगी पार्शियली सैचुरेटेड। पढ़ रखा है आपने सबने, यस सर, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये होता है आपके सॉइल के थ्री फेज सिस्टम। तो हमने यहाँ जो कंडीशन बात करी ना, हमने क्या करा कि एक पॉन्डिंग करी, ठीक है ना। इस तरह से हमने कोई भी एक जो आप एरिया है उसमें आपने लिया सॉइल सैंपल, इसके अंदर हमने क्या करा वाटर फिल किया। वाटर फिल करने के बाद में क्या होगा, जब आपका आपने इसमें वाटर फिल किया तो क्या होगा, सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपकी सॉइल है जो कुछ टाइम के बाद में फुली सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। शुरू में तो वो क्या होगा, पार्शियली सैचुरेटेड होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एयर होगा, फिर कुछ अमाउंट ऑफ, जब आपका फुली सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाएगी। हमारा ये टेस्ट का प्रिपरेशन बेसिकली यही है। तो सॉइल सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम द डिजायर्ड लेयर एट द रिस्ट शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ द, हम क्या करते हैं, हमने उस जो हमारा लेट सपोज कि ये हमारा कोई भी कंटेनर था या कोई भी एरिया था, इस एरिया को हमने क्या करा, हमने फुली सैचुरेटेड सॉइल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद में, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में हम यहाँ से सैंपल लेते हैं। एक सैंपल हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, कुछ लेयर्स के अंदर। इसलिए हम करेंगे फ्रॉम द डिजायर लेयर द शॉर्ट इंटरवल फॉर 4 to 6 days एंड वाटर कंटेनर इज डिवाइड। हमने यहाँ से सैंपल ले लिया, फिर यहाँ से ले लिया, फिर 2-4 दिन बाद यहाँ से ले लिया। इस तरह से हमने क्या सॉइल सैंपल लिया, और सॉइल सैंपल के बेसिस हमने क्या किया, उसका वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लिया। अब वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं सॉइल का, पता है आपको, पढ़ रखा है आपने जियोटेक में, कौन कौन से मेथड है। यस, ओवन ड्राइन मेथड। ओवन ड्राइन मेथड सबसे कॉमन होता है अपना, पिक्नोमीटर मेथड है ना वाटर कंटेंट के लिए सबसे कॉमन। अगर हम बात करें वाटर कंटेंट के लिए तो पिक्नोमीटर आपका मेथड होता है। उससे आपने क्या करा, वाटर कंटेंट निकाल लिया। फिर आपने इसको वापस से, जब तक जब आप वाटर कंटेंट निकालते रहे, जब तक आपका जैसे आपने यहाँ सैंपल लिया उसकी वैल्यू, यहाँ सैंपल लिया उसकी वैल्यू, यहाँ सैंपल लिया, आप इस तरह से टेस्ट करते जाते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ जाए, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, द लोअर वन ऑफ द इक्वल वैल्यूज आर टेकन एज अ फिल कैपेसिटी, ठीक है। डिटरमाइन कैसे करते हैं, वेट ऑफ वाटर आपका, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो वाटर कंटेंट क्या होता है आपका, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितना इनमें से जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसकी क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। हमने जितनी बार भी सक्सेसिव अलग अलग इंटरवल पे लिया, हमने पहले ये लिया, फिर 4-5 दिन बाद यहाँ कंटेन किया, फिर यहाँ किया, इनके बीच में आपका जो लोवेस्ट जो आपकी वैल्यू है, और हम कब तक लेते हैं, जब तक आपका ये सारी वैल्यूज नियरली इक्वल, लास्ट 3 वैल्यूज है जो नियर इक्वल नहीं हो जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपका जो लोवेस्ट वैल्यू आपकी होगी वो फील्ड कैपेसिटी के तौर पर हम लेते हैं। अगर इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, वो क्या है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100। और हमने यही कहा था, हमने क्या कहा था, फील्ड कैपेसिटी क्या, आपकी फील्ड कैपेसिटी बेसिकली वाटर कंटेंट कितना हो रहा है रिटेन, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट कितना वाटर आपका सॉइल के अंदर रिटेन हो रहा है, वो आपका फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। क्लियर है फील्ड कैपेसिटी, डेफिनेशन पूछता है बेसिकली, कहीं एक्सपेरिमेंट आपका होता नहीं है फील्ड कैपेसिटी के लिए, वाटर कंटेंट का आपका होता है, ठीक है। क्लियर है सबको फील्ड कैपेसिटी के बारे में। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका है डेप्थ ऑफ इरीगेशन। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पता किया डेप्थ ऑफ इरीगेशन के बारे में, एक टर्म हमने करा था। इरीगेशन की डेप्थ का मतलब है कि आपका जो इट इज अ फंक्शन ऑफ वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी ऑफ द रूट जोन एंड एक्सटेंट ऑफ सॉइल डिप्लेशन एट द टाइम ऑफ इरीगेशन, मतलब इट इज रेफर टू द डेप्थ टू विच द वाटर अप्लाइड वुड कवर एन एरिया।
किस फसल के लिए हमको कितना डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई करना है। हम ऑलरेडी डेल्टा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में किया था ना हमने, किया था ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड था वहां पे। डेल्टा क्या था वहां पे? डेल्टा यही तो था डेप्थ ऑफ वाटर जो सप्लाई, यही था सर डेप्थ ऑफ वाटर। उस क्रॉप को पूरे एंटायर बेस पीरियड के टाइम पे जितना अमाउंट ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता था वो आपका क्या कहलाता था? डेल्टा कहलाता था। डेल्टा क्लियर है। चलिए अब बात आती है आपकी टर्न आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है ना। इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी सिंपल टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन? अगर जनरल वे में अगर मैं बात करूँ, कोई टेक्निकल डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी इरिगेशन मतलब कितने टाइम के बाद में हम इरिगेशन कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? कितने टाइम के बाद में, कितने टाइम के बाद हम उस इरिगेशन को रिपीट कर रहे हैं? जैसे हमने फर्स्ट वाटरिंग करी, सेकंड वाटरिंग करी, थर्ड वाटरिंग करी, तो कितने टाइम के बाद में आपको इरिगेशन की रिक्वायर हुई, यही होता है बेसिक टर्म तो, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन आपकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर टू द रेट ऑफ कंजम्पटिव यूज। आपके पास में कितना सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल है डिवाइडेड बाई रेट ऑफ कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज हमने पता कर लिया उसका कि इवेपोरेशन और ट्रांसफर, इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वो आपका कंजम्पटिव यूज कहलाता है। आपके पास में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है डिवाइडेड बाई किस रेट से वो उसको कंजम्पशन कर रहा है। जैसे मान लो मैं अगर बात करूँ कि मेरे पास जैसे 100 लीटर ऑफ पेट्रोल अवेलेबल है और मैं 20 लीटर पर डे के हिसाब से उसको कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा? अवेलेबल कितना है? 100, मतलब सॉइल में मॉइस्चर 100 अवेलेबल है। रेट ऑफ कंजम्पटिव यूज उसको किस रेट से वो कंज्यूम कर रहा है। कंजम्पटिव यूज हमने पढ़ा है कि इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए, तो ये बेसिकली एक इवेपो जो आपका इसके डेफिनेशन होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की, वो आपकी यही होती है कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ कंजम्पटिव। अब देखिए ग्राफ आपका बताता है, इस ग्राफ को आप समझेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के मतलब से क्या होता है। देखिए इस ग्राफ में आप देखते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टाइम एंड मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल। सॉइल के अंदर अगर हम इनिशियल की अगर इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो इनिशियल लेवल पे आप देखो सॉइल के अंदर मॉइस्चर था, ठीक है ना। मॉइस्चर सॉइल के अंदर अवेलेबल है, इट मीन्स यहाँ पे ये देखिए हाई, ये आपका मॉइस्चर कंटेंट था यहाँ पे। जैसे जैसे आपके पास में सॉइल मतलब मिट्टी आपकी वेटेड है, ठीक है, मॉइस्चर है उसमें, वाटर प्रेजेंट है, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? टाइम के साथ साथ डाउन होगा कि नहीं होगा? होगा डाउन। एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा जिस पे आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर पॉइंट आ जाएगा, मतलब अब आपको वाटर को या प्लांट को सॉरी सॉइल को या प्लांट को आपको वाटर सप्लाई करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज उससे नीचे अगर आपका आ जाएगा तो फिर वो विल्टिंग जोन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम के साथ साथ आपका मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ, फिर आपने क्या करा? इरीगेशन कर दिया। इरीगेशन कर दिया तो मॉइस्चर कंटेंट वापस से इंक्रीज हो गया सॉइल का, क्लियर है, वापस इंक्रीज हुआ। फिर आपका सॉइल जैसे टाइम के साथ साथ क्या हुआ? वाटर का इवेपोरेशन लॉस हुआ, जो आपका ट्रांसपिरेशन हुआ तो आपका अगेन वाटर कंटेंट हुआ। तो इस टाइम से इस तरह से फिर आपने इरिगेशन किया, तो ये जो टाइम है ना, ये दिस टाइम इज नोन एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। समझ में आई आपको कि ये एक बार हमने इरिगेशन किया, फिर आपका मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे डाउन होता हुआ यहाँ पे आया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आया, फिर हमने उसको वापस से कर दिया, फिर आपको वापस होता यहाँ पे आया, हमने कर दिया। तो मतलब ये टाइम ड्यूरेशन है एक्चुअल में, अगर हम बात करें टाइम के फैक्टर से, ये टाइम ऑफ जो आपका है ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन को नोट करता है। क्लियर है, समझ में आया सबको? यस सर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आया, क्योंकि ग्राफ इम्पोर्टेंट है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द टाइम and between the moisture content of soil। और ये ऐसा क्यों सही पा रहा है इसका समझ में आ रहा है? पहले हमने वाटर कंटेंट हमारा हाई था, फिर जैसे धीरे धीरे डाउन हुआ हमने इरीगेट किया उसको, वाटर कंटेंट फिर भी इंक्रीज हुआ, फिर हमने इसको वापस से किया, फिर आपका वाटर कंटेंट इरीगेट। क्लियर है? यस सर। सर इसमें विल्टिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? वो आगे बेटा अपन डिस्कस करेंगे, अभी विल्टिंग पॉइंट आएगा आपका, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और वो है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन को क्या क्या, ऑब्वियसली बात है कि आपको इरिगेशन कैसे कैसे कितने टाइम के बाद में चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? फैक्टर देखिए, पहला आपका क्लाइमेट और सीजन, कौन से सीजन की क्रॉप है और वहाँ पे आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है।
समझ में आया है? क्योंकि क्यों डिपेंड करेगा, इरिगेशन क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है ना, आपका सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। रबी सीजन में कितना अमाउंट ऑफ चाहिए इरिगेशन, खरीफ सीजन में कितना चाहिए, जायद में कितना चाहिए, ठीक है? तो पहला तो ये होगा। दूसरा सॉइल करेक्टरिस्टिक, ऑब्वियस सी बात है सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। किसी सॉइल की अगर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, क्लियर है, अगर उसकी फील्ड कैपेसिटी ज्यादा है मतलब उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन होगा, तो हमको ज्यादा टाइम के बाद में वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो सॉइल करेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, और हमको पता है कि हर टाइप की सॉइल के अपने अपने करेक्टरिस्टिक होते हैं। क्रॉप करेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्रॉप की करेक्टरिस्टिक। कोई ऐसी क्रॉप है जिसको आपको कम्प्लीटली वाटर लो कंडीशन देनी होती है, जैसे राइस की हमने बात करी थी, क्रॉप में हमने पढ़ा था ना जिसको ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है, पानी चावल की जो खेती होती है राइस की, उसको क्या होता है आपको कम्प्लीटली वाटर लॉगिंग कंडीशन में रखना पड़ता है उसको। कुछ ऐसी सॉइल होती है जैसे आपकी खरीफ क्रॉप्स की आप बात कर लो तो बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो क्रॉप करेक्टरिस्टिक के ऊपर भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन डिपेंड करता है। और एक आपका है क्रॉप एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आप कैसे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप हमने इरीगेशन के बारे में बात करा था, मेथड ऑफ इरीगेशन, हम सरफेस इरीगेशन कर रहे हैं या हम जो आपका बेसिन इरीगेशन कर, मतलब उसमें जो आपका था स्प्रिंकल इरीगेशन कर रहे हैं, ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं, यह आपका जो क्रॉप वाटर मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिसेस यूज करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन मतलब उसकी ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा टाइम के बाद में आपको इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब आते हैं विल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका बेसिकली, फिर हम उसमें देखेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट आपका प्लांट का वो बेसिकली पॉइंट होता है जिसमें आपका वाटर कंटेंट अगर विल्टिंग पॉइंट तक आपका आना वहाँ तक अगर आपका आता है, देन आपका जो प्लांट की ग्रोथ है कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, कम्प्लीटली रुक जाती है। इट मीन्स आपका प्लांट जो विल्टिंग की तरफ मूव करता है, मतलब विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि बेसिकली वो विल्टिंग पॉइंट तक का तो मॉइस्चर अगर होता है, देखिए विल्टिंग पॉइंट इसमें क्या कर रहा है कि द मॉइस्चर कंटेंट एट विच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड फाइनली विल्ट्स ऑफ। अगर आपका लेट्स सपोज कि ये कोई आपका अगर यहाँ पे ये आपका जैसे सॉइल मॉइस्चर है, ठीक है, यहाँ से आपका जो प्लांट है ये प्लांट क्या करेगा यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करता है सॉइल से, उसको पानी को खींचना पड़ता है, तो वो खींचता रहेगा। एक ऐसा लास्ट में आपका एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि उस पॉइंट के बाद में पानी आपका जो सॉइल है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट तो है वाटर लेकिन उसको वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर जीरो हो गया, नहीं, सॉइल के अंदर मॉइस्चर तो है लेकिन एक लिमिट तक आता है, एक लिमिट तक ही वो क्या करता है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाता है। इसलिए द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। उस पॉइंट के बाद में विल्टिंग पॉइंट के बाद में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद में आपका प्लांट जो है सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और उसके बाद में इट स्टार्ट विल्टिंग। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज नोन एज अ विल्टिंग कोएफिशिएंट। क्लियर है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट? ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है आपकी विल्टिंग का ध्यान रखना है बस। विल्टिंग का मतलब क्या होता है कि ड्राई ऑफ, जो आपका पेड़ मुरझाना स्टार्ट कर देता है ना जिस पॉइंट पे आके, ठीक है, तो वो आपका विल्टिंग पॉइंट होता है। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज द टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, इट इज द कंडीशन ऑफ ए प्लांट व्हेन द सॉइल वाटर स्टोरेज कॉज इज द विल्टिंग ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड द प्लांट रिकवर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ये बेसिकली आपने सुना होगा, दो चीजें सुने आपने, एक इलास्टिसिटी और एक प्लास्टिसिटी, पढ़ा है आपने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी? yes. पढ़ा है, क्या मतलब है, क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी? इलास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता और प्लास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं आपका, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा, है ना, जैसे ये आपका इलास्टिसिटी कर्व, मतलब क्या है कि कोई भी मेरा एक जैसे कोई भी मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, इफ सपोज लोड अप्लाई करूँ, जैसे जैसे लोड अप्लाई करूँगा तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से डिफॉर्मेशन होता जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर ये
आपका मटेरियल इलास्टिक स्टेट में, इलास्टिक मटेरियल क्या होगा, जैसे ही मैं लोड अप्लाई इस पे से हटाऊंगा ये क्या होगा, ऑटोमेटिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर है सबको? यही होता है ना इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि जब आप उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफॉर्मेशन आ जाता है उसके अंदर, लेकिन वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाता है। आपने स्ट्रेस स्ट्रेन करो पड़ा होगा इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका जो होता है, ये जो आपका इलास्टिसिटी रेंज होती है, मतलब यहाँ तक का अगर आपका मटेरियल यहाँ तक का लोड अप्लाई हो रहा है तो आपका वो वापस ओरिजिनल कंडीशन को रिगेन कर लेगा। क्लियर है? सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ है। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है, क्या होता है आपका कि जैसे आपका प्लांट है, ठीक है, प्लांट आपका क्या हो रहा है, सॉइल के अंदर से आपका वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा कि जैसे दिन का एक कोई ऐसा टाइम आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है ना, तो गर्मी पड़ने की वजह से उसमें विल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ज़्यादा सबसे हॉटेस्ट पार्ट वो आपका डे का जो होगा वहाँ क्या होगा, विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नाइट टाइम होगा, ठीक है, नाइट टाइम होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, आपका फेवरेबल कंडीशंस होगी, तो बिना वाटर ऐड करे आपका जो है वो प्लांट रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़िए ध्यान से, इट इज द कंडीशन ऑफ ए प्लांट व्हेन द सॉइल वाटर स्ट्रेस कॉज विल्टिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट की विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दिन के सबसे जो गर्म जो आपका टाइम होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, प्लांट आपका विल्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, मुरझाना लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे नाइट का टाइम होता है, आपका टेम्परेचर कंडीशन डाउन होता है, तो बिना पानी ऐड करे प्लांट अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये आपका टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट तक जाके आपका विल्टिंग के बाद में वापस वो रिकवरी स्टार्ट कर लेता है, ये पॉइंट आपका टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट है। लेकिन एक आपका ऐसा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट होता है, द प्लांट डू नॉट रिकवर फ्रॉम द विल्टिंग इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। अगर इससे आप बियॉन्ड रेंज में आप चल गए, इस ये जो टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट आपका जो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है, जैसे ये तो टेम्परेरी है, यहाँ से जाके वापस आ जाएगा, अगर ये इसका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है, तो इस अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट तक अगर आपका वाटर चल गया तो फिर आप उसमें कितना ही वाटर ऐड कर दो वो वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। द प्लांट डू नॉट रिकवर फ्रॉम द विल्टिंग इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आपका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें अगर प्लांट वहां तक पहुंच गया तो उसके बाद में अगर आप चाहे तो उसमें वाटर भी ऐड कर दे तो भी वो रिकवर नहीं हो पाता। होता है ना, हम कई बार देखे हैं, एक बार हमारा पेड़ जो मुड़ जाता है उसके बाद में उसमें कितना ही पानी सप्लाई कर दो वो वापस से रिकवर नहीं हो पाता है। वो पॉइंट आपका होता है, दैट इज द अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्लियर है सबको अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट के बारे में? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टीमेट? यस सर। क्लियर है अब? यस सर। चलिए, हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी थी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं हम, फिर आता है आपका कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर आपका हमने कई बार डिस्कस किया, एक बार और हम फाइनल इसको डिस्कस करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन एंड अमाउंट लॉस्ट बाय द इवापोरेशन। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है आपका क्या कि इवापोरेशन की वजह से कितना लॉस हो रहा है और प्लांट जो ट्रांसपिरेशन है उसकी वजह से कितना हो रहा है। तो दोनों केसेज में टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो यूज होता है बाई ए प्लांट ग्रोथ के लिए, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन दोनों काम होते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जितना उसके लिए रिक्वायर्ड होता है या वाटर यूज होता है वो आपका कहलाता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। क्लियर है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसको हमने दोनों टर्म को मिला के हमने इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को मिला के इवापोर ट्रांसपिरेशन कहा था, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको वो करते हैं, तो इवापोरेशन, कितना रेट ऑफ इवापोरेशन आपका हो रहा है, और इवापोरेशन किस वजह से होगा आपका, मंथली टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, मीन मंथली टेम्परेचर। फिर आपका ग्रोइंग ईयर ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्रॉप के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। मंथली प्रिसिपिटेशन इन द एरिया, आपके उस एरिया में एक्चुअल में पूरे मंथ में कितना रेनफॉल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ इरीगेशन, आप प्लांट को कितने डेप्थ तक इरीगेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। विंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सॉइल और टॉक ऊपर हमने कहा सॉइल करेक्टरिस्टिक उसके ऊपर, और इरीगेशन प्रैक्टिस। ये तो कुछ पॉइंट आपके सिमिलर उसी की जैसे हैं जैसे हमने उसके बारे में। अब आपका एस्टिमेशन ऑफ जो कंजम्पटिव यूज है, इसका एक मेथड होता है लेसीमीटर मेथड, कि इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, बहुत टेक्निकली एडवांस मेथड होता है, सेंसर की हेल्प से हम इसको करते हैं, ये प्रैक्टिकल लैब में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इसके अंदर जमीन के अंदर हमको क्या करना होता है, सेंसर्स लगाने होते हैं, सेंसर्स लगाते हैं, उसके बाद में हम इसके जो आपके सॉइल इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करके उसके अंदर से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं।
तो वो सेंसर आपका है वो बेसिकली वो ये डिनोट करता है कि आपका कितना प्रेशर पे आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करते जाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है लेसीमीटर मेथड, लेकिन फिर भी आपका ये कि जो टैंक होता है, इस टैंक की डायमीटर होती है 2 मीटर और डेप्थ होती है 3 मीटर के आसपास का, बहुत बड़ा होता है, मतलब 2 मीटर और 3 मीटर का है। ठीक है, इसको सॉइल के साथ फिल करते हैं हम इसको, और इसके साथ में हम जो एक पैन लगाते हैं जो आपका सरप्लस वाटर को कलेक्ट करेगा। ठीक है, कंजम्पटिव यूज जो आपका है वो बेसिकली सेंसर की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करता है। आप यूट्यूब पे जाके इस लेसीमीटर मेथड को सर्च कर सकते हैं, उसमें सेंसर अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, फिर उन सेंसर्स को है आपको उन सेंसर को जो है आपको उसकी हेल्प से कैलिब्रेट करना होता है, फिर कितना अमाउंट ऑफ वाटर आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके दो जो है एम्पेरिकल मेथड्स हैं, पहला आपका हार्ग्रीव्स मेथड है और दूसरा आपका है ब्लेंडर क्रिडले मेथड। दोनों मेथड है, कई बार इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है। ठीक है, दोनों एम्पेरिकल मेथड और प्रैक्टिकल मेथड का मतलब, प्रैक्टिकल का मतलब आप फील्ड में करके वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, एम्पेरिकल मेथड का मतलब है कि जैसे जो आपका ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये अपने प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला कर देते हैं कि आप कंजम्पटिव सीयू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट बाय द केपी इनटू ईपी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रख लेना, केपी इनटू ईपी। ठीक है, आपका ये जो है केपी जो है आपका वो क्रॉप फैक्टर है, ईपी जो है आपका वो ये ऑपरेशन कोफिशिएंट है। ईपी की वैल्यू फिर अगेन इसने दी, ईपी की वैल्यू जो आपकी होती है ईपी कैसे फाइंड करेंगे, 0.45। ठीक है, आर सी वन सी डब्ल्यू सी एच सी एस और सी ई, इतने फैक्टरों के बेसिस पे इसने ईपी की वैल्यू दी ऑपरेशन कोफिशिएंट की। ये आपको ये याद करना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इनकी वैल्यू देगा आपको। ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू देके आपको कंजम्पटिव यूज का अमाउंट पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द डिटरमाइन द कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप और ऑफ द अगर हम कहें प्लांट। ठीक है, तो आपको केपी की वैल्यू गिवन होती है और इन फैक्टर्स की वैल्यू दे देगा। आपको ईपी कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय केपी करके सी निकाल सकते हैं। अब ये है क्या, देखिए समझिए, आर क्या है आपका रेडिएशन का है कि कितनी रेडिएशन में आपका जो है ऑपरेशन हो रहा है। सी वन क्या है, सी वन इज द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में है। सी डब्ल्यू इज द विंड वेलोसिटी कितनी, क्योंकि हमने कहा था कंजम्पटिव यूज जिस जिस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सी एस कितना सनशाइन, आपका कितना टाइम है एक दिन में कितने आवर्स है आपके जिसमें आपका सनलाइट वहाँ पे आती है। सी एच बोले तो ह्यूमिडिटी कितनी है, और सी ई कितने एलिवेशन के ऊपर आप कर रहे हैं। ये फैक्टर्स की वैल्यू आपको कई बार कैलकुलेट भी करनी होती है और कई बार आपको ये गिवन भी होती है, लेकिन ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक मेथड आपका क्या है जो है आपका वो है ब्लेने क्रिडल मेथड। ठीक है, ये जो था आपका वो हार्ग्रीव्स मेथड था, क्लास ए पैन इवेपोरेशन। एक पैन के ऊपर हमने क्या करा, इवेपोरेशन का अमाउंट कैलकुलेट करा, हमने ये भी देखा वहाँ कितना टेम्परेचर रखा, कितना सनलाइट थी, कितनी ह्यूमिडिटी थी, उसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। एक आपका होता है जो होता है आपका सी यू डेट इज द ब्लेने क्रिडल मेथड होता है। ठीक है, ब्लेने क्रिडल मेथड आपका क्या है, के इज इक्वल टू पी अपॉन 40 1.8 टी प्लस 32। ये मेथड इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मेथड है आपका कंजम्पटिव यूज वाला, के इज इक्वल टू पी बाई 40 सॉरी सी यू इज इक्वल टू के पी बाई 40 1.8 टी प्लस। ये देखिए के क्या है, के इज अ क्रॉप फैक्टर, ये अलग अलग टाइप के क्रॉप के लिए अलग अलग फैक्टर होता है। ठीक है, पी क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ ड्राइड आर्स इन ईयर, एक साल में आपके कितने ऐसे नंबर ऑफ आर्स हैं जो आपके एकदम ड्राई होते हैं, कम्प्लीटली ड्राई। और तीसरा है आपका टेम्परेचर, तो आपको ये भी गिवन होता है पी की वैल्यू, आपको टी की वैल्यू भी गिवन होती है, आपको फॉर्मूले में पुट करके सीधा सी यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल है आपका मेरे पास, वो न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ। सर यस सर, केपी क्या होता है बेटा, क्रॉप फैक्टर होता है, इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में नोन रहता है। हाँ, के क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ ना, उसमें गिवन है, ईपी कैलकुलेट करना होता है, ईपी के सारे फैक्टर्स आपको गिवन है ना, केपी का आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। यहाँ पे भी जो के है क्रॉप फैक्टर, उसके बारे में एक न्यूमेरिकल था मेरे पास, वो मैं कराता हूँ, देखो आपको। यहाँ मेथड दोनों समझ में आए, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं दोनों आपको। ठीक है, ध्यान रखने की बात ये कि यहाँ के क्या है, पी क्या है, परसेंटेज ऑफ ड्राइड आर्स इन आर, टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, सी वन क्या है, सी डब्ल्यू क्या है, सी एच क्या है, सी एस और सी, इनके बारे में आपको वो करना है। मेरे पास एक वो था आपका न्यूमेरिकल भी था, एक लिहाज हो गया है।
कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो इरिगेशन का चैप्टर हमने पढ़ा था शुरू से, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ इरिगेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, उनके मेथड्स हमने पढ़े, फिर हमने अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी। आज हम कंजम्पटिव यूज मेथड के, ये दो एम्पिरिकल मेथड्स हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इनके जो आपके मेथड्स हैं इनके आपको जो अटेंडेंस सॉरी इसके न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल करा के फिर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है किसी को आज का जो पढ़ाया उसमें? चलिए ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको क्लास को वो करके और खत्म करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर।